वक्त के साथ साथ बीमारियों के निवारण के लिए आयुर्वेदिक, एलोपैथी और होम्योपैथी जैसी कई तरह की पद्धतियां अपनाई गई हैं। अगर दर्द निवारण की बात करें तो पेन रिलीफ मैनेजमेंट के लिए हर पद्धति में कोई ना कोई इलाज जरूर मिलता है। नए जमाने में एक चाइनीज पद्धति का चलन काफी बढ़ता जा रहा है, जिसके जरिए पेन रिलीफ मैनेजमेंट, जिसमें हेयर स्किन ब्यूटी, एंटी एजिंग, स्किन डिजीज, माइग्रेन, ज्वाइंट पेन, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल डिस्क, तमाम बीमारियों के लिए काम किया जाता है, और ये है हिजामा कपिंग थेरेपी। सबसे पहले जो है क्लियोपेट्रा एक रानी थी, वो इसको हिजामा को कराती थी और वो ब्यूटी के लिए कराती थी, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो है इसकी रूट्स जो हैं दो जगहों पे बहुत ज़्यादा हैं, एक तो चाइना में और दूसरी मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में जो है हिजामा ज़्यादा फेमस है, इसको जो है वेट कपिंग भी बोलते हैं, और चाइना में जो है ड्राई कपिंग ज़्यादा फेमस है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ड्राई कपिंग में जो है कप्स होते हैं जिनको लगाया जाता है बैक में या अलग अलग जगह, जैसे माइकल फ्लैप्स आपने देखा होगा ओलंपिक्स में उसके बॉडी पे निशान थे, तो माइकल फ्लैप्स जो है उसको ये लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है, अगर एनर्जी बढ़ाने के लिए स्विमिंग में जीतना है तो कपिंग कराया जाए। और बेसिकली ये वर्ल्ड में फेमस भी उसी के, जब उसने कपिंग कराई माइकल फ्लैप्स ने, तो काफ़ी फेमस हो गई ये थेरेपी। तो जो मिडल ईस्ट है वहाँ पे वेट कपिंग होती है और चाइना में ड्राई कपिंग होती है। ड्राई कपिंग में कप्स लगते हैं और फिर कुछ देर लगा के उन्हें निकाल लिया जाता है, उससे ऐसा लाल लाल से बॉडी पे निशान आ जाते हैं। और जो वेट कपिंग है उसमें थोड़े से स्क्रैचेस भी लगाए जाते हैं कप लगाने के बाद, उन स्क्रैचेस से ब्लड निकलता है। बेसिकली इसमें थ्योरी यह है कि हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड फ्लो हैं, एक तो है फ्रेश। फ्रेश ब्लड फ्लो का मतलब यह है कि जैसे आपने कभी अपना खून दिया होगा, ब्लड डोनेट किया होगा, या आपने कभी जो है टेस्ट कराया होगा, तो आपकी आर्म से निकालते हैं यहाँ पे, है ना, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेबेक्टोमी। तो ये जो है फ्लेबेक्टोमी जो है इसमें जो ब्लड होता है वो फ्रेश ब्लड निकलता है, जो कि नया नया प्रिपेयर्ड होता है, स्प्लीन बनाता है। तो अगर यहाँ से ब्लड निकलेगा तो आपको वीकनेस होगी। और एक होता है ड्राई, एक होता है आपका जो ब्लड जो कि स्टैटिक ब्लड है, तो जब से आप पैदा हुए हैं तब से कुछ पोर्शन आपके ब्लड का आपकी बॉडी में ही है, वो बाहर नहीं निकला है। तो वो पीछे हमारे एक मसल होती है जैसे सोआस मेजर कहते हैं, उसके अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। कपिंग वैसे जो है वेट कपिंग ज़्यादा रिकमेंडेड इसीलिए होती है क्योंकि ये जो है ये आपका स्टैटिक ब्लड निकाल देती है पूरा। ड्राई कपिंग से टेम्परेरी इफेक्ट होता है, और इसका जो है लोग अब बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है पेन मैनेजमेंट में होता है। जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको जब वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसमें बहुत पेन होता है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को अलग अलग जगह इंजरी हो सकती है, पेन हो सकता है, उस केस में काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट, इसमें जो है काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। सेकेंड जो इसका इस्तेमाल है वो स्किन में, स्किन डिजॉर्डर्स में, जैसे डैंड्रफ हो गई, या फिर जो है आपका एक्ने वल्गैरिस हो गए, दाने जैसे कहते हैं, कील मुहासे हो गए, सोराइसिस हो गई, और एक्जिमा हो गया, ये सारी बीमारियों में जो है कपिंग का काफ़ी रोल है। और बहुत ज़्यादा अब जो है लोग आ रहे हैं हेयर फॉल के लिए भी हमारे पास, क्योंकि हेयर फॉल में भी इसका 50% रिजल्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो एटलीस्ट जो है कुछ केसेस में रोक देता है हेयर फॉल, और कुछ केसेस में जो है ये रीग्रोथ भी करता है। तो हेड कपिंग कहलाती है, उसमें कप्स जो है वो सर में लगते हैं। और जो है माइग्रेन हो गया, या फिर पाइल्स हो गई, या ऐसी बीमारियाँ जिनमें ब्लड सर्कुलेशन के इश्यूज हैं, उसमें जो है कपिंग काफ़ी इस्तेमाल होती है। देहरादून से लोकल 18 के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।